हम बहुत ही बेहतरीन प्लान आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसका साइज दोस्तों थोड़ा सा अलग है। अब मैंने जो लिखा है आपके सामने 43x40 फीट का, उससे भी अलग है, क्योंकि ये थोड़ा सा तिरछा घर बना है, थोड़ा सा चारों तरफ से कहीं ना कहीं तिरछा है। तो मैं अभी आपका इसका 2D मैप दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैप बहुत ही बेहतरीन है। आपके लिए मकान डिज़ाइन किया है तो आप हमारे चैनल से प्लीज़ ज़रूर जुड़ जाएं स्मॉल हाउस प्लान से, क्योंकि यहाँ पर मैं लगातार लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो अभी तक आपको देते रहते हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी से देख करके एक आइडिया ले सकते हो, अपने घर का निर्माण करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको ले चलूँगा 2D मैप के अकॉर्डिंग, जिससे आपको पता चल जाए कि इसका एक्चुअल साइज क्या है। देखिए कि ये 2D इसका मैप है और पीछे की ये फ्रंट है दोस्तों। सामने से ऐसा थोड़ा सा तिरछा है, ये देखिएगा आप 2D, जिसका जो लंबाई है चौड़ाई है 43 फीट है, 43 फीट है इधर, पीछे मात्र 37 फीट है, इस साइड लेफ्ट हैंड में 40 फीट है और इधर मात्र 27 फीट है, 27 फीट 10 इंच। तो ये इसका साइज हो गया जो कि मैंने आपको डिस्कस किया। अब इसी का आज हम 3D मॉडल जो आपको डिस्कस करने वाले हैं, ये मॉडल आपको डिस्कस करेंगे। ये इसका इमेज है और इसी का आज हम 3D मॉडल आपको ये डिस्कस करने वाले हैं। ये फ्रंट से देखिएगा, मैं आपको टॉप पहले दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो था आपका 43 था, ये आपका 40 फीट था, ये 37 था और ये 27 था। तो ये पूरा इसका साइज है। इसका जो मैंने ग्राउंड फ्लोर डिज़ाइन किया है, यहाँ पर एक शॉप भी दी है, ये दुकान आप देख पा रहे होंगे फ्रंट में, और ये इसका मेन डोर है और ये इसकी रेलिंग है चारों तरफ। अब इसका हम जो मॉडल है वो डिस्कस कर लेते हैं, अंदर आपको लेकर चलते हैं। ये देखिएगा मॉडल आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ मैं, लेकिन हमेशा की तरीके से हम इसको ट्रांसपेरेंट पहले आपको करके दिखा देते हैं कि ट्रांसपेरेंसी में ये मॉडल आपको कैसा दिखता है। ये देखिए ट्रांसपेरेंसी में ये मॉडल आपके सामने बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत दिखता है। ये ट्रांसपेरेंसी का मतलब वो तो दिवाले दोस्तों यहाँ पर हाइड हो जाती हैं, फर्नीचर वगैरह सिर्फ आपको दिखता है। तो ये तो ट्रांसपेरेंसी में आपको मॉडल ऐसा दिखने वाला है। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर हम रिमूव कर देते हैं, इसको ले चलते हैं पोजीशन पर, फिर आपके सामने हम डिस्कस करते हैं। तो मेन डोर ये है दोस्तों, ये एक शॉप है, देख सकते हैं आप, ये शॉप है, मैंने डिज़ाइन किया है, ये इसका शटर है। और मेन डोर से जैसे आप एंट्री करते हैं तो ये देखिए इसका थोड़ा साइज जो अटपटा है उसके अकॉर्डिंग ये आपका एक लेटरिन बाथरूम कंबाइंड निकाल दिया, लेटरिन दोस्तों। और इसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये बड़ा सा हॉल है बीच में आपका, ये आपकी स्टेयर्स हैं, यहाँ से आप अंदर जाएंगे, ये गेट लगा हुआ है, यहाँ से एंट्री करेंगे, बड़ा सा हॉल मिल जाता है। इसी हॉल से आपको सभी जगह जाने को मिलता है। ये एक बेडरूम है जिसमें ये डोर दिया है, आप जा सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए ऊपर मैंने विंडो टाइप का दिया है। और ये एक साइड में ये आपका बेडरूम है बड़ा सा, ये भी आप देख सकते हो। और बीच में ये आपका लेटरिन बाथरूम कंबाइंड कर दिया गया, इनका निकास आप देखिएगा दोनों रूम से दे दिया है। पीछे आपको वेंटिलेशन के लिए कुछ जगह छोड़ दी है। साइड में आपका एक किचन यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया है, ये आपका स्टोर रूम टाइप का डिज़ाइन कर दिया गया है, ये आप देख सकते हो। ये आपकी शॉप है, शॉप में बाहर से भी डोर है और एक यहाँ से भी डोर दे रखा है। तो ये पूरा 3D मॉडल है इसका जो मैंने आपको डिस्कस किया, और जिसका साइज मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता हूँ कि 43x40 है, क्योंकि ये चारों तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा तिरछा है। तो अब अगर हम इसके लास्ट फ्लोर की बात करें, लास्ट फ्लोर पर कुछ नहीं डिज़ाइन है दोस्तों, मैंने छत डाल दी है, चारों तरफ बाउंड्री कर दी और सामने से फ्रंट से रेलिंग लगा दी है। सिंपल सा मॉडल है लेकिन मॉडल बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, साथ साथ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई रिकमेंडेड मॉडल है तो मुझे कमेंट करें, क्योंकि ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने उनके कहने पर मॉडल मैंने डिज़ाइन किया है, उन्होंने 2D मॉडल का इंस्टा डिज़ाइन कराया और उनका मैंने 3D मॉडल यहाँ पर डिज़ाइन करके दिया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।